ही यश देने वाली है, कीर्ति देने वाली है, प्रसिद्धि देने वाली है। ये यशोदा बड़े भाव से, बड़े लाड से, बड़े चाव से अपने लाला का पालन पोषण कर रही है। एक दिन मैया ने स्तनपान कराया, लाला को दूध पिलाया, पर दूध पिलाने के बाद जब हटाया तो देखा कि लाला के मुख पर कुछ दूध की बूंदें गिरी हुई है, पर बहुत ही सुंदर मनोहर लाला के दर्शन हो रहे हैं। और उसी समय लाला ने उबासी ली मनाया, और उबासी ली तो लाला के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन हुए। खम्रो दशी ज्योतिर्नीकमाशः सूर्येन्दुवह्निश्च सनाम्बुधिश्च द्वीपान्नगास्तुहितृवनानि भूतानि यानि स्थिरजङ्गमानि। द्वीप, समुद्र, पृथ्वी, जाने कितने ब्रह्मांड के दर्शन यहां पर, सब कुछ उसके भीतर दिखाई दिया। माता सोचने लगी कि ये क्या है। कहते हैं कि लाला ने दो बार मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कराए, और जब दर्शन किए लाला ने, लाला के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन किए, लाला ने मुख बंद कर लिया। मैया सोचने लगी कि मेरे लाला के मुख में ये सब आलबाल कैसे हो सकता है, लाला के मुख में ये सब थोड़ी ना हो सकता है। फिर मैया अपने आप को कोसने लगता है, मेरी आंखें ही खराब हो गई है, मेरी आंखों में ही कोई बीमारी हो गई, रोग हो गई, मेरे लाला के मुख में ये सब आलबाल थोड़ी ना हो सकता है कि सूरज भी दिखे, चांद भी दिखे, पृथ्वी भी दिखे, ब्रह्मांड के दर्शन हो, ये सब थोड़े ना हो सकता है। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन वसुदेव जी ने मथुरा में अपने कुल गुरु पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया, और गर्गाचार्य जी महाराज को बुला करके कहा कि हे गर्ग महाराज, आपसे मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आप ये तो जानते हो कि मेरी एक और पत्नी रोहिणी वहां पर गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रहती है, उसके लाला का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, इसलिए उसका नामकरण संस्कार तो आपको करना ही, परंतु एक गुप्त बात है, और वो ये है कि जिसको सब लोग यशोदा और नंद बाबा का पुत्र समझते हैं वो भी मेरा ही पुत्र है, और हमारे कुल की रीति है कि हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार आप ही करते हो, इसलिए हाथ जोड़कर इसके आपसे प्रार्थना है कि आप चुपचाप में जाकर के हमारे उन दोनों पुत्रों का नामकरण करके आइए, क्योंकि आप मेरे जो रोहिणी का पुत्र है उसका नामकरण करने जाएंगे तो कोई विशेष रूप से शंका भी नहीं करेगा, क्यों सब जानते हैं कि हमारे कुल की परंपरा यही है कि आप हमारे पुत्र का नामकरण करते हो, तो उस बड़े पुत्र का नामकरण करने के बहाने छोटे का भी साथ के साथ आप करते आना। गर्गाचार्य जी से निवेदन किया, गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है वसुदेव जी, आप चिंता मत करिए, और गर्गाचार्य जी महाराज पहुंच गए चुपचाप। नंद बाबा को जब पता चला कि गर्गाचार्य जी महाराज आए, गर्गाचार्य जी मथुरा के बड़े पंडित थे, विद्वान, लोग कहते थे वो त्रिकालज्ञ के हैं, सब जानते हैं भूत भविष्य वर्तमान, और जब नंद बाबा को पता चला तो नंद बाबा तुरंत स्वयं गए उनका स्वागत सत्कार करने के लिए, और उनको लाकर के गौशाला में ठहराया गया। नंद बाबा ने उनसे आने का प्रयोजन पूछा कि गर्गाचार्य जी महाराज आपके आने का क्या कारण है, कैसे आप पधारे आज यहां पर गोकुल में आने का आपका क्या कारण है। गर्गाचार्य जी बोले हमें तो वसुदेव जी ने भेजा है, उनकी पत्नी रोहिणी और उनका बालक यहां आपके यहां रहता है, तो उन्होंने हमें आज्ञा दी है, उन्होंने कहा है कि हम उसका नामकरण संस्कार करके आए, क्योंकि उनके कुल की रीति है कि उनके बालकों का, बच्चों का नामकरण हम ही करते हैं। नंद बाबा बोले अरे गर्गाचार्य जी महाराज, आपने तो बहुत अच्छी याद दिलाई, मेरे लाला का भी अभी नामकरण नहीं हुआ है, तो आप जैसे संत, आप जैसे पंडित यदि मेरे लाला का भी नामकरण संस्कार कर देंगे तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा महाराज। गर्गाचार्य जी बोले देखो नंद बाबा, हम आपके लाला के का नामकरण संस्कार को कर देंगे, परंतु आपको चुपचाप में गौशाला में बिना किसी को बताए नामकरण कराना पड़ेगा। बोले वो क्यों,
बोले वो इसलिए क्यों कि कंस की दृष्टि आपके इस गोकुल पर है, और यदि मैंने आपके लाला का नामकरण किया और ये सूचना अगर कंस को मिल गई, कंस ये नहीं सोच ले कि ये भी वसुदेव का ही बेटा है और बिना कारण के आपके लाला के प्राण संकट में पड़ जाए। नंद बाबा ने सोचा इतने बड़े पंडित बड़ी मुश्किल से आते हैं, नामकरण तो इनसे ही कराना, भले ही छोटे से स्वरूप में चुपचाप में धीरे में गौशाला में ही जो है करा लिया जाए, बहुत बड़ा उत्सव नहीं करेंगे और क्या। और नंद बाबा गए यशोदा कन्हैया के पास और यशोदा से कहने लगे, अरे सुनती हो, मथुरा के बहुत बड़े पंडित त्रिकालज्ञ गर्गाचार्य जी महाराज पधारे हैं, और गर्गाचार्य जी से वो जो है रोहिणी जी के पुत्र का, वसुदेव जी के पुत्र का नामकरण करने के लिए आए हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे लाला का भी वो नामकरण संस्कार कर जाए, परंतु उसके लिए एक काम करना होगा, तो हमको गौशाला में चुपचाप ही नामकरण कराना पड़ेगा। यशोदा भैया बोली, मैं तो नहीं करा रही ऐसे चुपचाप में नामकरण, मेरे लाला का नामकरण संस्कार होगा तो हजारों ब्राह्मण जीतेंगे, पूरे गांव को जिमाऊंगी मैं, ऐसे थोड़े ना कोई चुपचाप में, ब्राह्मण भोजन करेंगे, पूरा गांव भोजन करेगा, उत्सव होगा, ब्राह्मण मंत्रोच्चार करेंगे, यज्ञ होगा, ऐसे थोड़े ना नामकरण संस्कार हो जाएगा मेरे लाला का। नंद बाबा समझाने लगे कि देखिए शोधा, ऐसे पंडित बड़ी मुश्किल से सौभाग्य से हमारे घर में आए हैं, इसलिए नामकरण तो हमको उन्हीं से कराना चाहिए, लेकिन यदि हम उत्सव बना के जलसा करके जोर शोर करके जो है उनका नामकरण कराएंगे तो कहीं कंस तक सूचना पहुंच गए हमारे लाला के बिना कारण के प्राण संकट में नहीं पड़ जाए, इसलिए हमको चुपचाप में गौशाला में नामकरण कराना पड़ेगा। मैया सोचने लगी कि इतने बड़े पंडित आए हैं, उनसे नामकरण कराएं ये भी अच्छी बात है, पर लाला के प्राण संकट में नहीं पड़े ये भी जरूरी बात है, इसलिए बोले ठीक है नंद बाबा, आपको जो उचित लगता हो ठीक है, हम ले आते हैं बच्चों को। और दोनों जो है माताएं, रोहिणी भी अपने बालक को और यशोदा भी अपने लाला को गोद में लेकर के आने लगी महाराज। अब दोनों जब लेकर के आ रही थी बच्चों को, तो आते आते मन में सोचने लगी यशोदा मैया और रोहिणी, आपस में बात करने लगी, ये जो गर्ग जी महाराज, गर्गाचार्य जी महाराज जो पधारे हैं वहां से मथुरा से, कहीं वास्तव में ही बड़े पंडित हैं या कोई ऐसे ही कोई खड़िया पलटन नहीं हो, कहीं ऐसे ही वो नंद बाबा हर किसी को बहुत बड़ा पंडित बता रहे हो। तो बोले क्यों नहीं हम उनकी परीक्षा कर लें। और महाराज यहां पर जो है दोनों माताओं ने अपने अपने बालकों को बदल लिया। यशोदा मैया ने अपना बालक रोहिणी जी को दे दिया और रोहिणी जी ने अपना बालक यशोदा की गोद में पकड़ा दिया। तो बोले एक काम करो, हम दोनों अपने अपने बालक बदल लेते हैं, देखते हैं कि गर्गाचार्य जी महाराज पहचानते हैं कि नहीं है। अब महाराज जब गर्गाचार्य जी महाराज के पास दोनों मैयाएं पहुंची, यशोदा मैया भी और रोहिणी माँ भी, दोनों अपने अपने लालाओं को अपने अपने बालकों को लेकर जब गई और वहां जाकर के गर्गाचार्य जी महाराज के सम्मुख उनके सामने बैठ गई, और बैठ करके यशोदा मैया कहती है कि महाराज प्रणाम नमस्कार मालूम हो, आपकी आज्ञा के अनुसार हम चुपचाप में अपने लालाओं का नामकरण कराने के लिए आ गई हैं, इसलिए चूंकि पहले रोहिणी दीदी का जो बालक है ये बड़ा है, इसलिए पहले बड़े का आप नामकरण कीजिए फिर छोटे का करिएगा। तो महाराज गर्गाचार्य जी महाराज ने बालकों को देखा, अब रोहिणी की गोद में तो रोहिणी का बालक था नहीं, यशोदा ने अपने लाला को दे दिया था और वो थे कन्हैया। तो जैसे ही भगवान के ऊपर देखा गर्गाचार्य जी महाराज ने, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, त्राटक समाधि लग गई भगवान को देखते, पलकें झपकना बंद हो गई, नेत्र बंद नहीं होते, एक टक देखे जा रहे हैं। दोनों भैयाओं ने सोचा ये बाबा जी को क्या हो गया, ना तो नेत्र बंद कर रहे, ना हिल रहे, ना डुल रहे, चुटकी बजाई आगे आंखों के आगे कुछ, और बाद में जब देखा फिर भी नहीं हिले, अरे बाबा जी क्या हुआ, ताली बजाई फिर भी कुछ नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, क्योंकि यहां तो त्राटक समाधि लग गई है।
यशोदा मैया बोली, अगर ये बाबा जी महाराज आपको जाना ही था तो हमारी गौशाला के बाहर जाते हमारी गौशाला को काय को अपवित्र करी आपने। रोहिणी बोली, लगता है महाराज तो चल दिए, क्यों कोई हरकत नहीं है, कोई ना तो नेत्र पलकें झपक रही है, ना हिल रहे हैं, ना डुल रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं। यशोदा मैया ने देखा, लगता है एक बार प्रयास करके देखते हैं, और कंधा पकड़ करके हिलाया तो हिला, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, अरे महाराज आप सकुशल हो, हम तो घबरा गए थे कहीं आपका कुछ हो तो नहीं गया हो। अरे मैया ये तो जो तुम्हारा लाला है ना, भगवान श्री कृष्ण की तरफ देख करके दुर्गाचार्य जी महाराज बोले, ये तुम्हारा जो ये लाला है ये तो साक्षात, अब कहने वाले तो ये थे कि जगदीश्वर है, अब इतना ही बोला था कि तुम्हारा ये जो लाला है ये साक्षात, और कन्हैया इशारा कर रहे हैं, अरे बाबा अभी पोल पट्टी खोलेगा का सब कुछ, अभी तो लीला आगे प्रारंभ हुई नहीं, अभी सारी पोल खोल दोगे आप, अभी बता दोगे मैया को मैं कौन हूं इसलिए मना करने लगे, तो समझ गए अरे मैया ये तेरा जो लाला है ना ये तो साक्षात गुणों का भंडार है। फिर ध्यान आया कि ये तो नामकरण कराने के लिए आई है, चलो चलो महाराज आप पहले बड़े का नामकरण करो, तो देखा बड़े की तरफ, देखा अच्छा ये मेरी परीक्षा लेने के लिए इन्होंने अपने अपने लालाओं को बदल लिया है। और तब दुर्गाचार्य जी जो है रोहिणी की गोद में जो बालक था ना उसका नामकरण करने के बजाय जो यशोदा की गोद में बालक था जो रोहिणी का था और बड़ा था उसकी तरफ देख करके बोली, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सूरिदौ गुणहि आख्याश्यते रामः इति बलाधिक्या बलं विदुः। बोले यशोदा तुम्हारी गोद में जो बालक है ना ये तुम्हारा नहीं, ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम चूंकि रोहिणी का पुत्र है इसलिए लोग इसको रोहिणेय के नाम से जानेंगे, ये बहुत सबसे प्रेम करने वाला होगा इसलिए इसको राम भी लोग कहेंगे, ये बहुत बलवान होगा इसलिए बल के नाम से भी कहेंगे, और प्रेम से इसको बलराम के नाम से सब लोग जानेंगे। यशोदा मैया सोचने लगी कि बाबा जी ने तो पकड़ लिया, हम तो परीक्षा लेने के लिए आए थे इसलिए दोनों ने अपने अपने लाला को जो है बदल लिया था, परंतु ये तो पहचान गए, और उसके बाद जो है दुर्गाचार्य जी महाराज रोहिणी की गोद में जो बालक था उसकी तरफ देख करके बोले, आसन वर्णास्त्रयोर हे अस्य कृणवतो नो युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतांगतः। बोले ये जो आपके गोद में रोहिणी आपकी गोद में जो बालक है ना ये आपका नहीं इस यशोदा का लाला है, और ये पूर्व में जो है शुक्ल रक्त तथा पीत वर्ण में जन्म ले चुका है, इस बार इसका वर्ण श्याम है काला है इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा, चूंकि इसने पूर्व में वसुदेव के यहां भी जन्म लिया इसलिए लोग इसको वासुदेव के नाम से भी जानेंगे। यशोदा मैया सोचने लगी कि पूर्व में यानी पिछले जन्म में इसने वसुदेव के यहां भी जन्म लिया है, इसका मतलब पंडित जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी है महाराज, पिछले जन्म की पूर्व जन्म की भी बता देते हैं। अब माता यशोदा को क्या पता कि पिछले जन्म में नहीं इस जन्म में भी वसुदेव का पुत्र है, उससे पिछले जन्म में भी वसुदेव का पुत्र था, और उससे पिछले जन्म में भी तीन जन्मों से ये जो वसुदेव देव की है इनका पुत्र बनते हुए आ रहे हैं, क्योंकि वसुदेव देव के पूर्व में कश्यप अदिति थे, उससे पहले सुतपा और कृष्णी थे, तो कृष्णी गर्भ फिर वामन और इस बार कृष्ण बनकर के पधारे हैं, तो इस प्रकार से तीनों बालकों का नामकरण संस्कार यहाँ पर उन्होंने किया, खूब स्वागत सत्कार किया, अनेक प्रकार का जो है उनको उनको वस्तुएं दी गई, भेंट सामग्री दी गई, दक्षिणा दी गई, गाड़ी भर करके महाराज सामान दिया, भेंट सामग्री दी नंद बाबा ने, परंतु दुर्गाचार्य जी वो जितना भी सामान मिला था ना उनको गोकुल के गांव के ब्राह्मणों को बांट के चल दिए महाराज, वो इसलिए क्योंकि दुर्गाचार्य जी जानते थे कि अगर ये इतनी बड़ी गाड़ी भर करके मैं मथुरा को जाऊंगा तो पता चल जाएगा कंस को,
और कंस पूछेगा इतना सामान किस यजमान के से ला रहे हो महाराज। इसलिए कंस को सूचना नहीं मिली, इसलिए सारी भेंट सामग्री वहीं गोकुल के ब्राह्मणों में बांट कर खाली हाथी चले गए गर्गाचार्य जी। इधर गर्गाचार्य जी महाराज के जाने के बाद धीरे धीरे लाला थोड़े बड़े हुए, घुटनों के बल चलने लगे, और उसी समय उन्होंने पहली बार अपने घर में माखन की चोरी की। जो उनकी विशिष्ट लीला कही गई है माखन चोरी, और ये चोरी करना उन्होंने बाहर नहीं सीखा कहीं जाके, सबसे पहले घर में ही सीखा। एक दिन घुटनों के बल चलते चलते उस कक्ष में जा पहुंचे जिस कक्ष में, जिस कमरे में हम जो है घर में माखन की मटकियां रखी हुई थी, दूध दही की मटकियां रखी हुई थी। अब कमरे में थोड़ा अंधेरा था, घुटनों के बल चलता चलता बालक चला गया भीतर, और भीतर जाकर के उसने, लाला ने जैसे ही अपने दोनों अंजलि भरकर के माखन उठाया तो लाला ने अपनी ही छाया को देखा एक जड़ी जो है पन्ने से बने हुए खम्भ में। सुन्ने चोर यतम स्वयं निज गृह है यंग बीनम मणि ही स्तंभे स्वय प्रतिबिंब मीक्षित वते ते नैव सार्धम धिया भ्रातर मावद मातरम मम समो भागस्तवापी तो लपतो हरे कलवचो मात्रा रह सूयते। चुपचाप में सूनेपन में अकेले ही उस कमरे में पहुंच गए। और वो जो है दोनों अंजलि में माखन भर लिया। कोई बड़ी परात ले आओ और नीचे खाली कर लिया करो, बार बार ऊपर लाते ले जाते, और कोई बड़ी सी परात उसको खाली करके वापस उसका बर्तन वापस साथ के साथ लौटा दिया। ऐसे 50 बार लोग आएंगे, 50 बार तुम भी ऊपर आके थक जाओगे व्यवस्था करते करते भैया। तो ऐसे में सोने में चुपचाप में उस कमरे में गए, अपने दोनों हाथों में माखन की अंजलि भरी चुरा करके खाने के लिए, और उसी समय अपनी ही छाया को, अपना प्रतिबिंब उन्होंने खंभ में देखा। यहां तो सामर्थ्यवान थे, बड़ी समृद्धि थी, पन्ने का बना हुआ खंभ और उसमें अपनी ही छाया को देखा अंधेरे में, तो कन्हैया डर गए कि लगता कोई और भी है यहाँ। छोटे से बालक है ना, महाराज छाया को देख के उनको लगा कोई और भी है, अपनी ही छाया को देखकर डर गए, भयभीत हो गए, और भयभीत होकर के बोलते हैं देखो भैया तुम जो भी कोई हो ना, जितना मैं खाऊंगा ना उतना ही तुमको मिलेगा, परंतु मैया से शिकायत मत करना, मैया को मत बताना कि मैंने माखन की चोरी की है। और उसी समय मैया ढूंढते ढूंढते आ गई महाराज वहां, ढूंढते ढूंढते मैया जब वहां पहुंची लाला के हाथ में जो है अंजलि भरी हुई, सहज भाव से भोलेपन से लाला तो ये सोच रहे कोई और भी है कमरे में, इसलिए जो है उन्होंने इस भाव से कहा भैया जितना मैं खाऊंगा ना उतना ही तुमको भी मिलेगा, परंतु तुम शिकायत मत करना, माता को मत बोलना। और माता जी वहां पहुंच गई, हाथ में माखन भरा हुआ, पहली बार तो चोरी करी और पहली बार ही पकड़ में आ गए। मैया बोली क्यों रे लाला, यहां ये हाथ में अंजलि में ये जो है माखन भर करके क्या कर रहा है, मैं तुझे इतना खाने के लिए देती हूं फिर भी आकर के चुरा करके खाने की तेरी नियत हो गई, तो अब और तो कुछ सूझा नहीं। लाला ने सोचा पहली बार तो आए चोरी करने के लिए और पहली बार पकड़ के अब मैं क्या बोलूं, तो कुछ और तो सूझा नहीं। लाला को हाथ में वो पद्मराज के पुखराज के दो कंगन दिखे, मैया से कहते हैं मैया मेरे जो हाथ में ये कंगन पहना रखे है ना, इन कंगन से मेरे हाथ जल रहे थे इसलिए मैंने हाथों को ठंडा करने के लिए माखन की मटकी में डाल दिया। मैया आश्चर्य में पड़ गई कि सब लोग कोई पुखराज की अंगूठी पहनता है, कोई कौले पहनता है, कोई माला पहनता है, हमारे तो कभी पुखराज से हाथ जले नहीं, लाला तेरे पुखराज से हाथ जल रहे, तो ये तो अचंभित करने वाली बात है, कोई बात नहीं चल, और ले आई पकड़ करके। अब
तो महाराज धीरे धीरे जब भी अवसर मिलता चुपचाप चले चल पड़ते चोरी करने के लिए, और जब कभी पकड़ में आ जाते मैया डांटने लगते तो हुआ हुआ करके रोने लगते। पहले तो घर में ही माखन की चोरी करने लगे थे, और उसके बाद धीरे धीरे घर से बाहर निकल करके दूसरी गोपियों के घर भी माखन की चोरी करने लगे महाराज। अब जब गोपियों के यहां माखन की चोरी होने लगी तो गोपियों को तो आदत की इसे पड़ गई जैसे कि अच्छा है रोज रोज हमारे यहां चोरी करने के लिए आए। असल में गोपियां जो है गोपियों के लिए कहा है कि जो ज्ञान कर्म और इंद्रिय से कृष्ण रस का ही पान करे उसको गोपी कहते हैं। गोपी वो है जिस जो भक्ति का गोपन करके रखे। गोपी किसको बोलते हैं? जो भक्ति का गोपन यानी भक्ति को छिपा करके रखे, भक्ति का दिखावा नहीं करे, किसी को बताए नहीं कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम भक्त हैं। भगवान की लाला की कन्हैया की कृष्ण की वो भक्ति तो करती है लेकिन दिखाती नहीं है कि हम तुम्हारे भक्त हैं। तो जो अपनी भक्ति को छिपा कर रखे उसको गोपी कहा जाता है। असल में चिंतन की सर्वोत्कृष्ट परिणति यदि कोई है तो वो गोपी है। यहां ये जितनी भी गोपियां हैं ना, ये गोपियां कोई साधारण महिलाएं स्त्रियां नहीं है। वेद मंत्र है, वेद मंत्रों की ऋचाएं यहां गोपियां बनकर के आई है। ऋषियों की, दैत्यों की, गंधर्वों की, मत्स्यों की कन्याएं हैं। यहां तक कि कई ऐसे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने कई कल्पों तक कठोर तपस्या की, और जब भगवान या ब्रह्मा जी या कोई और प्रसन्न हुआ देवता तो उससे केवल यही मांगा कि हम भगवान की जब लीला हो गोकुल में तो हम गोपी बनकर के आए, यही वरदान हमको चाहिए। और इसीलिए इनको सुख देने के लिए भगवान इनके यहां माखन की चोरी करते हैं। कहते हैं कि अनन्य लालसा, व्यापक प्रेम और सच्ची लगन के कारण ही हमारे जो प्रेम रस में प्रभु है वो इन गोपियों को सुख देने के लिए ही इनके यहां माखन की चोरी किया करते हैं। अनेक ऋषि मुनि, एक मुनि है जिनका नाम मुनि थे जिनका नाम था उग्रतपा मुनि, उग्रतपा ऋषि, और इन्होंने पंच दशाक्षर मंत्र का जाप करते हुए, रासोन्मत्त श्याम सुंदर का ध्यान करते हुए 100 कल्प तक कठोर तपस्या की, और जब भगवान प्रसन्न हुए तो उनसे वरदान मांगा कि मुझे भी आप अपने लीला में गोपी बना दीजिएगा। और यही उग्रतपा मुनि सुनंद गोप की कन्या सुनंदा बनकर के आए और गोपी रूप में। ऐसे ही एक और ऋषि हैं सत्यतपा मुनि, कहते हैं कि राधा जी के दोनों हाथ पकड़कर नाचते हुए श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए इन्होंने दशाक्षर मंत्र का जाप करते हुए 10 कल्पों तक कठोर तप किया, और तब इनको सुभद्रा नाम की गोपी के रूप में शरीर मिला। ऐसे ही हरिधामा नाम के एक ऋषि थे। हरिधामा ऋषि ने माधवी मंडप में कोमल पत्तों की शैया पर लेते हुए युगल सरकार का ध्यान करते हुए 3 कल्पों तक कठोर तप किया, तब इनको सारंग गोप की पुत्री रंगबेनी के रूप में जन्म मिला। ऐसे ही जावाली नाम के एक ब्रह्मज्ञानी ऋषि हुआ करते थे जिन्होंने ब्रह्म विद्या से दीक्षा ली, और इन्होंने भी 9 कल्प तक जो है एक पैर पर ब्रज की गलियों में भ्रमण करते हुए कन्हैया का ध्यान करते हुए कठोर तपस्या की, और तब जाकर के प्रचंड गोप की पुत्री चित्रगंधा के रूप में इनको जन्म प्राप्त हुआ। ऐसे ही एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था पुष्पध्वज ब्रह्मर सिंह, और उनके 2 पुत्र हुआ करते थे सुचि श्रवा और सुवर्ण मुनि, और इन्होंने कठोर तपस्या की, और तपस्या में ध्यान किसका किया? 10 वर्षीय कन्हैया का, 10 वर्षीय श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए बस उन्हीं के आनंद में कठोर तप किया, और तब ये दोनों सुधीर गोप की पुत्रियों के रूप में इन दोनों मुनियों को जन्म लेना। तो इसलिए कहते हैं कि गोपियां कोई साधारण मानव नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, देव कन्याएं, दैत्य कन्याएं, गंधर्व कन्याएं हैं, स्वयं वेदों के मंत्र, वेद मंत्रों की ऋचाएं हैं जो यहां पर गोपियां बनकर के आई हैं। और इसीलिए कहा है कि एक बार जिसका कन्हैया में मन रम गया ना फिर उसको कोई अच्छा नहीं लगता है। जाको मन लाग्यो नंदलाल ही ताही और नहीं भावे, जोले मीन दूध में डारे बिनु जल नहीं सचु पावे।
जिसको एक बार कन्हैया से लगन लग गई ना महाराज, फिर उसको दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, नीचे से रख दो ऊपर। जिनका एक बार मन रम गया कन्हैया में, उसको फिर दूसरा कोई अच्छा नहीं लगता और अच्छा नहीं लगता। और उसी प्रकार जिस प्रकार किसी मछली को हम जल से निकाल करके दूध में डाल दें, हम तो ये सोचें कि मछली जल से निकालने के बाद दूध में डालने पर वो जो है आराम से रहेगी, तो नहीं। जब तक वापस उसको दूध से निकाल करके जल में नहीं डालेंगे तब तक उसको चैन नहीं मिलेगा मछली को। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, सेवक हैं, उनका मन केवल भगवान में ही लगता है, किसी और कोई और उनको अच्छा नहीं लगता, कोई और नहीं भाता। तो ऐसी ये जो गोपियां हैं, इन गोपियों के यहाँ पर कन्हैया बड़ी सुंदर लीलाएं करते, उनके यहाँ माखन की चोरी करने लगे, कभी कभी घुटनों के बल चलते चलते ही घर से बाहर निकल जाते। बड़े जो बछड़े होते ना गौ माता के, गाय के बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते महाराज, इतने चंचल कि उनकी पूंछ पकड़ लेते, और पूंछ पकड़ करके जब उनको छेड़ते तो वो बछड़े भागते, तो उनके साथ घिसटते ही चले जाते और धूल धूसरी तो हो जाते। एक दिन चंद्रमा को देखा, चांद को देख करके मैया से पूछने, मैया ये क्या है? तो मैया ने बहलाने के लिए कह दिया कि लाला ये तो खिलौना है, चंद्र खिलौना। अब मैया ने कहा चंद्र खिलौना है तो फिर हट करने लगे, मैया मुझे तो यही खिलौना चाहिए। चंद्र खिलौना ले हुरी मैया, चंद्र खिलौना ले हो, और जे हो लोट अवही अवनी पे, मैं तेरी गोद न आई हो। सुरभि को पय पान न करी हो, वेली सिर न गुथई हो, कि वही हो पूत नंद बाबा को, मैं तेरो सुत न कही हो। हट कर लिया मैया, मुझे तो चंद्र खिलौना ही चाहिए। मैया बोली लाला ये भी कोई संभव है? लाला देख वो वहां आकाश में, हम पृथ्वी पर। और कन्हैया मुस्कुराते हैं कि तेरे लिए कौन सी मुश्किल बात है मैया, जब तू कृष्ण चंद्र को यहाँ भूमि पर उतार करके ला सकती है तो ये साधारण सा चंद्रमा तेरे लिए क्या विसात रखता है। मैया बोली लाला नहीं दे सकती। कन्हैया बोले मैया मुझे तो वो चंद्र खिलौना ही चाहिए, और अगर तूने वो चंद्र खिलौना ला करके नहीं दिया तो याद रखना मैं अभी मिट्टी में लौट जाऊंगा, भूमि में लौट जाऊंगा। मैया बोली अगर लौटता है तो लौट जा, नहीं ला करके दे रही बोली। एक तो तू वैसे ही कारो है, और मिट्टी में लौटेगा तो और कारो और बुरो लगेगा, अर्थात एक तो तू पहले से काला है, और अगर मिट्टी में लौटेगा धूल में लौटेगा तो और गंदा बुरा लगेगा, इसलिए लौटना है तो लौट जा, मिट्टी में लेट जा। लाला ने देखा मैया को हमने धमकी दी और मैया पे कोई असर ही नहीं हुआ, लगता है थोड़ी थोड़ी बड़ी धमकी देनी पड़ेगी। लाला बोले देख मैया, या तो तू मुझे चंद्र खिलौना ला करके दे दे, नहीं तो याद रखना मैं तेरी गोद में नहीं आऊंगा। मैया बोली अगर नहीं आता है तो मत आ। नहीं दे रही, नहीं दे रही, नहीं दे रही बोली। लाला ने सोचा मैया ऐसे नहीं मानेगी, मैया को तो लगता है कुछ न कुछ और बड़ी धमकी देनी पड़ेगी। कन्हैया बोले देख मैया, या तो तू चंद्र खिलौना ला करके दे दे, नहीं तो याद रखना तू मुझे ये जो पद्मगंधा गाय का दूध पिलाती है ना सुरभि गौ का, कहती है कि लाला जल्दी जल्दी पी ले, चोटी बड़ी हो जाएगी, मैं सब जानता हूं, मैं जो है ना ये सुरभि गाय का दूध नहीं पीऊंगा। मैया बोली नहीं पीता है तो मत पिए, देख एक तो तू वैसे ही पतला दुबला है, अगर दूध नहीं पिएगा तो तेरा पेट पीठ से चिपक जाएगा और बुरा लगेगा। लाला ने सोचा कि मैया तो किसी भी तरह से जो है चंद्र खिलौना ला करके दे नहीं रही है, अब तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा। देख मैया अगर अब भी नहीं ला के दिया तूने ये चंद्र खिलौना मैया, तो याद रखना मैं फिर वेनी यानी चोटी नहीं गुठवाऊंगा। मैया बोली कोई बात नहीं, मैं बंदाऊ की चोटी गूंथ दूंगी,
अगर तू नहीं गुथवाएगा तो बलदाऊ की चोटी को गुथ दूंगी, उसकी चोटी बना दिया करूंगी। लाला ने देखा यहां ऐसे काम नहीं चलेगा। अंत में देख रही बूढ़ी मैया, अब या तो तू ला करके दे दे चंद्र खिलौना, नहीं तो याद रखना पूरे गांव में जाकर के कह दूंगा कि मैं तेरो बेटा हूं ही ना है, मैं तेरा बेटा नहीं हूं, मैं केवल नंद बाबा का ही बेटा हूं। और रोने लगे केवाड़ के पीछे, दरवाजे के पीछे जाकर के वहां हुआ करके ढिंग बैठा ये कहत नंद रानी, तू बल दे हुई न सुनई हो, अति कोमल चंदा हुसे सुंदर तो कुनई दुलनिया हो। देख लाला गोद में लिया, चुपचाप उसको जो है दुलराते हुए बोली कि लाला तू बलदाऊ से मत कहना, पर मैं तेरे को जो है ना चंदा से भी कोमल और सुंदर नई दुल्हनिया ला करके दूंगी, अब भूल जा चंदा को। अब जब भैया ने कहा कि चंदा की जगह दुल्हनिया मिल रही नई दुल्हनिया, तो बोले अब दुल्हनिया पे अटक गया भैया, अगर ऐसी बात है तो ठीक है चंदा नहीं लेते दुल्हनिया ला दे। राधिका गोरी से तीरथ की छोरी से मैया करा दे रे राधिका गोरी से तीरथ की छोरी से मैया करा दे रे राधिका गोरी से तीरथ की छोरी से मैया करा दे रे राधिका गोरी से तीरथ की छोरी से मैया करा दे रे मेरे तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है कैसे करा दो तेरा नजर तेरी छोटी है कैसे करा दो तेरा अरे रे बलबन है प्रेम का अरे रे बलबन है प्रेम का राधिका गोरी से तीरथ की छोरी से मैया करा दे अरे तबले की आवाज थोड़ी कम कर करवा दे
मुश्किल से जो है मन डोलेगी छुपी से दुल्हनिया जब अंगना में डोले छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोले मेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी ताऊ से की छोरी से भैया करा दे रुया की चौकी पर मैया तुझको बैठा चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठा अपनी प्यारी राधा से मैं चरण करे दबवाऊं अपनी प्यारी राधा से मैं चरण करे दबवाऊं भोजन में प्रकार के राधिका धोरी से तिरज की छोरी से मैया करा दे भैया करके गौ मैया मैया ने पहनाने के हिसाब से कहा कि लाला ये चंद्र खिलौना लाना संभव नहीं है तो कह दिया कि देख तू दाऊ को मत कहना तेरे लिए जो है ना इस चंदा से भी कोमल और सुंदर दुल्हनिया ला करके दूंगी तो लाला कन्हैया उसी पर अटक गए अब तो दुल्हनिया ही चाहिए तो भैया ने कहा देख लाला ऐसा कर असल में भागवत में जो है ना बड़ी सुंदर कथा आती है भागवत में लिखा है कि ये जो चंद्रमा था ना इसको देख कर एक बार भैया ने उसको माखन भी कह दिया अब लाला तो हर बार हर चीज पर हद कर लेते हैं भैया माखन मैया से बोले मैया माखन तो मुझे बहुत प्रिय है तू जानती मुझे बहुत अच्छा लगता है माखन इसलिए मुझे ये माखन चाहिए
भैया बोले लेकिन ये माखन खाने लायक नहीं है। क्यों? बोले देख इसमें काला काला दिखाई दे रहा है ना, चंद्रमा के बीच में काली छाया है। बोले ये माखन खाने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें विष मिला हुआ है। बोले विष कैसे मिल गया? बोले असल में चंद्रमा समुद्र से निकला है। अब चंद्रमा समुद्र से निकला है और समुद्र से ही विष निकला है। जब हलाल विष आदि निकले थे ना महाराज, और सारी कथा कह सुनाई मैया ने, समुद्र मंथन की सारी कथा कह करके सुना दी। कहकर के सारी की समुद्र मंथन कैसे हुआ, कैसे 14 रत्न निकले, एक एक करके सारे रत्न निकले। पहले हलाहल विष निकला, फिर उसी से चंद्रमा निकला, उसी से कौस्तुभ मणि निकली। क्योंकि दोनों का एक ही जगह से प्राकट्य हुआ है, चंद्रमा का भी और विष का भी, इसलिए चूंकि वो विष इस जो है चंद्रमा रूपी मक्खन में मिल गया है, इसलिए लाला ये जो मक्खन है ये खाने लायक नहीं। अब भैया तो ये कथा सुनाई रही थी, सुनते सुनते ही लाला सो गए। थोड़े से बड़े हुए लाला और जब पैदल चलने लगे ना महाराज, पहले तो घुटनों के बल ही यहां वहां घूमते रहते थे, पूरी गलियों में घूम आते थे ब्रज की गलियों में। और जब पैदल चलना सीख रहे थे, धीरे धीरे पैदल चलने लगे, और जब वो एक पैर से दूसरा पैर रखते तो भूमि भी धरती भी कंपायमान होने लगती, और उनके पैर में जो पायल थी वो पायल छमछम कर उनके बजने लगती जब वो भूमि पर चलने लगते महाराज। और नंद बाबा उंगली पकड़ पकड़ करके आगे चलाते उनको, छोड़ देते चलना सीखने रहते तब छोड़ देते, आजा लाला बस थोड़ी दूर और थोड़ी दूर और। और जब वो समीप आते तो लाला भी कूद पड़ते, और जब वो चलते थे ना महाराज, उनके चरणों के धमक जो है वो पृथ्वी भी को भी कंपाए मानी कर देती है। मतवारी या की चाल मेरो यशोदा को लागे, मतवारी या की चाल मेरो यशोदा को लागे, मतवारी या की चाल मेरो यशोदा को लागे, मेरो यशोदा को लागे, मेरो नंदी जी को लागे, मेरो यशोदा को लागे, मेरो नंदी जी को लागे, मेरो यशोदा को लागे, मेरो नंदी जी को लागे, मेरो यशोदा को लागे, मेरो नंदी जी को लागे, बारी मतवारिया की चाल मेरो यशोदा को लाज, मतवारिया की चाल मेरो यशोदा को लाज।
के घूंगर वाले बाल मेरो यशोदा को दर्द जिनके घूंगर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल जिनके घूंगर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल जिनके घूंगर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल मेरो नंदी जी को लाल मेरो यशोदा को लाल मेरो नंदी जी को लाल जब पैदल चलने लगे तो महाराज पहले तो आस पास ही माखन की चोरी किया करते थे और उसके बाद तो फिर दूर दूर जाकर के माखन की चोरी करने लगे। अड़ोस में पड़ोस में गोकुल में गोकुल के आसपास चिकसौली तक भी पहुंच जाते, यहां वहां बस माखन की चोरी करते फिरते ग्वाल बाल संग में उनके पीछे पीछे। और जब चोरी करते तो उल्हाना भी मिलता मैया को, शिकायत भी मिलती, और कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती कि चोरी करने के लिए कन्हैया जब नहीं जा पाते इन गोपियों के, तो ये गोपियां खुद ही बिना चोरी के कुल्हाना लेकर के दर्शन करने के लिए आ जाती। एक बार दोपहर का समय हो गया, दोपहर के बाद भी कन्हैया अपने साथियों के साथ इन गोपियों के घर नहीं पहुंचे। गोपियों ने देखा कि भाई क्या हुआ, आज लाला के दर्शन नहीं हुए, आज दिखाई नहीं दिया है। शांति रखो भैया, शांति। तो गोपियों के घर नहीं पहुंचे तो सबकी सब गोपियां इधर जो नई नवेली बहुएं थी ना महाराज घर में, बहुओं ने देखा सास में तो सत्संग में गई है दोपहर में, काना आज आए नहीं, दर्शन हुए नहीं, तो क्या करें। तो दर्शन करने के बहाने बोले एक काम करते हैं, कुछ ऐसा बहाना बनाते हैं कि हमारी सास में जब आए तो खुद ही हमको भेज दें दर्शन करने। और ये गोपियों की जो नई नवेली बहुएं थी ना महाराज, इन्होंने सबने क्या किया, अपने अपने घरों की मटकियां फोड़ दी। अब 3-4 बजे के करीब संध्या के लगभग संध्या होने से पहले सासुएं जो सत्संग में गई हुई थी वापस लौट करके आई। अब हर घर में यही स्थिति, सासु ने पूछा बहू से क्यों नहीं, बहू ये घर ये मटकी कैसे फूटी। तो बहू कहती है सबकी सब बहुओं ने एक ही बात कही अपने सासुओं से, अरे सासू जी क्या बताएं आपको, वो जो है ना यशोदा का लाला कन्हैया वाने ही मटकी फोड़ी है, उसने ही हमारी मटकी फोड़ी है। सासू बोली देख रही बहू मैं बड़ी बूढ़ी, उसके घर शिकायत करने के लिए जाती हुई अच्छी नहीं लगूंगी, इसलिए तुम जाओ और जाकर के जो तुम्हें उसके उस लाला की कन्हैया की शिकायत करके आओ। और महाराज घर से सब की सब बहुएं निकल पड़ी अपने सासुओं का आदेश पाकर के शिकायत करने के लिए। यशोदा मैया ने देखा एक साथ कई सारी बहुएं आ रही हैं, नई नवेली दुल्हने हैं,
पता नहीं आज लाला ने आज कन्हैया ने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि सबकी सब आ रही हैं। और जब वो सबकी सब वहां पर आई तो यशोदा मैया ने पूछा, क्यों रही आज सबकी सब इकट्ठी होकर के कैसे आई? तो बहुएं कहती है, गोपियां कहती है कि अरे यशोदा मैया, तेरे लाला ने हमें बहुत दुखी कर दिया है। बोले क्यों? बोले ये हमें बड़ा परेशान करता है, हमारे बछड़ों को खोल देता है। वत्सान मुंचन क्वचित समय रोष संजात हास स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपय कल्पिते स्ते योगे मरकान भोक्षण विभजति सचेत नाति भाण्डम भिनक्ति ही द्रव्यालाभे सगृह कुपितो पात्र पक्तो सतो। बोले एक तो बछड़ी खोल देता है। मैया बोली, एक तो तुम्हारा काम करता है, भाई तुमको भी तो बछड़े खोलने ही पड़ते होंगे ना। एक तो तुम्हारा काम करता है, ऊपर से तुम जो है शिकायत उलाहना लेकर के आ गए। गोपियां बोली, अरे काम तो करता है, बछड़े तो खोलता, पर ऐसे समय खोलता है, हमें दूध दुहा नहीं होता, उससे पहले ही बछड़े खोल देता है तो बछड़े सारा दूध पी जाते हैं और हमारे लिए दूध बचता नहीं है। और बोले दूसरी बात, बोले दूसरी बात ये रोज के रोज हमारे यहां माखन चोरी करने के लिए आ जाता है। मैया बोली, एक काम किया करो ना, तुम इसको राजी से ही अपने आप ही दे दिया करो। बोले राजी से ही दे दिया करो इसको माखन, जिससे इसको चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो गोपियां कहती, वो भी हमने करके देख लिया, हम इसको कहते हैं कि अरे कन्हैया तो हमारे देखो, एक तो क्या है माखन की चोरी करता है, और माखन की चोरी करे तो करे, वो दूसरी बात ये कि ये फिर जो बचा बचा माखन है उसको अपने ग्वाल बाल सखाओं को खिला देता है, फिर भी थोड़ा बहुत बच जाता है तो उसे बंदरों को खिला देता है। अब चलो वो भी कोई बात नहीं, उसके बाद जो मटकी बचती है उस मटकी को भी फोड़ जाता है। भैया बोले, तुम खुद ही इसको चुपचाप बिठा करके अपने आप ही दे दिया करो माखन, जिससे ये चोरी नहीं करे। अरे बोली यशोदा मैया, हमने वो भी करके देख लिया, परंतु जब हम इसको देते हैं ना कि लाला देख तो हमारी मटकी मत फोड़े, हमारे यहां माखन की चोरी मत करे, हम तेरे को वैसे ही दे देते, राजी राजी खा ले। तो बोले बड़े भोलेपन से हमसे कहता है, करी गोपी मोकू तो राजी को अच्छो ही ना लगे, मोकू तो चोरी को ही अच्छो लगे, यानी मुझे तो चोरी का ही माखन अच्छा लगता है, जो तुम अपने आप देते हो वो अच्छा लगता है, उसमें स्वाद नहीं आता है। मैया सोचने लगी, 3:30 बिलान को लाला और इतने मतलब भी तो 3:30 बिलान का हुआ, और इतनी शैतानी, इतना उपद्रव। मैया बोली, देखो एक काम किया करो, तुम जो तुम्हारी माखन की मटकियां है ना उसको जो है ना ऊपर छीके पर रख दिया करो। बोले वो भी हमने करके देख लिया, पता नहीं कहां से कुछ ले आते हैं, एक के ऊपर दूसरे चढ़ते हुए उतार लेते हैं माखन की चोरी, मटकी चोरी कर लेते हैं। बोले फिर एक काम किया करो, तुम जो है ना माखन की मटकी को पीपल की डाली को ऊपर जो है टांग दिया करो, लटका दिया करो। बोले अरे यशोदा, वो भी हमने करके देख लिया, परंतु वहां से भी पता नहीं कहां से बांस लाते हैं उसको फोड़ते हैं, मटकी नीचे जो है गिर जाती है, जो माखन है उसको जो है निकाल निकाल करके खा जाते हैं। मैया बोली, अब क्या करूं इसका, ये इतना उपद्रव, इतना शैतान, इतना उच्छृंखल हो गया है। मैया बोली, अब तो एक ही बात, एक ही तरीका है, देखो एक काम किया करो, तुम जो अपनी जो माखन की मटकी है ना उसको अंधेरे कमरे में रख दिया करो। बोले क्यों? क्यों कि इसको हवा से, हवा से बहुत ही डर लगे, हमारे यहां वृंदावन में कहते हैं हवा यानी भूत, अंधेरे से डर लगता है। बोले गोपियां कहती है, हमने वो भी करके देख लिया, अंधेरे कमरे में रखे, तुमने ये जो कड़ूले पहना रखे हैं ना हीरे मोती के चमकदार, बोले कड़ूले ऐसे आगे करके ढूंढते ढूंढते वहां से पता नहीं कहां इसको मिल जाती है और हमारी माखन के दूध दही की पट्टियां ले आता है।
अब मैया गुस्सा हो गई कि इतने सुनारा और इतने शैतानी, या के भाग में करुला है नहीं, और वो करुले उतारने लगी कि इसके भाग्य में है नहीं करुले, अभी मैं उतार करके वापस रख लेती हूँ। जब करुले उतारने लगी तो गोपियां कहती कि अरे एक काम कर यशोदा मैया, तू करले मत उतार, बस इसको थोड़ा सा धमका दे, डांट दे। और ये जो गोपियां है ना महाराज, क्योंकि वो तो दर्शन करने के लिए बहाना लगा करके आई थी महाराज, एक गोपी अलग ही खड़ी हुई थी महाराज, एक गोपी अलग ही खड़ी हुई थी, और वो जो है उसको देख करके यशोदा मैया ने पूछा, क्या बात है, तुम एक तरफ क्यों खड़ी हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे यहां क्या किया लाला ने? वो गोपी बोली, मैया हमारे साथ भी बहुत बुरी की इसने, बोले हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा थी तो हमने ठाकुर जी को स्नान स्नान करा करके आसन पे बिठा रखा था, तेरा लाला आया तो हमने इससे कहा, देख लाला तू अभी तो यहाँ से चला जा, हमारे आज सत्यनारायण भगवान की पूजा है, दोपहर बाद तू आना, आज घर में भंडारा है, भोजन करना, अभी तू चला जा। तो हमने उसे भेज दिया, तो पता नहीं किस बात की नाराजगी हुई, पूरे दिन हमारे घर नहीं आया, दुनिया भर के ब्राह्मण भोजन करके चले गए, ये दिन भर हमारे नहीं आया, और शाम को हम जब थके हारे सो गए ना, जब हम नींद में, तो पता नहीं कौन सी खिड़की से आया, और खिड़की से आकर के इसने हमारी जो चोटी है वो चोटी हमारे पति की दाढ़ी से बांध ली, और तीसरे पैर जब हमारी नींद खुली ना महाराज, तो जैसे ही नींद खुली हमारे पति को प्यास लगी, नींद खुली तो वो देखा अंधेरे में चोटी खींची, तो अरे कौन है कौन है, बोले इसकी शैतानी के चक्कर में हमारे पति की तो दाढ़ी के बाल ही उखड़ गए, इतना शैतान है तुम्हारा। एक और गोपी खड़ी थी, उससे पूछा, भाई तेरी भी कोई शिकायत हो तो तू भी बता दे। बोले यशोदा मैया हमारी भी शिकायत कम नहीं है, बोले हमारे भी जो है घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा के दिन आसन लग रहा था, और ठाकुर जी को स्नान करके हमने आंगन में चौके में बिठा रखा था, तेरा लाला बिना स्नान किया आया, तो हमने कहा लाला बिना स्नान किया हमारे ठाकुर जी को हाथ भी मत लगाना, पहले जा स्नान करके आ। और बोले इतनी सी बात पर क्रुद्ध हो गया, नाराज हो गया, और बाहर गया, और बाहर से जाकर के पिल्ले जो है कुत्ते के पिल्ले है ना, पिल्लों को लाकर के हमारे मंदिर में प्रवेश करा दिया। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला, परमानंद लिखते हैं कि इस ठाकुर का कोई भरोसा नहीं है, ये पता नहीं कब कौन सी शैतानी कर जाए, कौन सी लीला कर जाए, इसका भरोसा नहीं है। यहां तक कि इसकी लीलाएं जब ये कभी कभी तो चुनौती दे करके, और ये जो गोपियां है ना महाराज, ये गोपियां तो असल में बहाना, अगर माखन की चोरी करने नहीं जाओ तो भी उलाहना लेकर के आ जाती है, क्योंकि कन्हैया के दर्शन नहीं किए, इसलिए दर्शन करने के लिए भी शिकायत लेकर के आ जाती है। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाहना तो बस बहाना है। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म को पहचाना है, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाहना तो केवल बहाना है, क्योंकि कन्हैया दर्शन करने देने के लिए नहीं आते ना, तो और कृष्ण के चरणों में चरणार विंदों में उनका जो है हृदय लग गया है, इसलिए दर्शन के बिना ये गोपियां रह नहीं सकती, इसलिए कोई न कोई बहाना बना करके, कोई न कोई उलहाना शिकायत लेकर के ही आ जाती है महाराज। एक दिन तो एक गोपी को कन्हैया बोले कि अरी गोपी आज हम तेरे घर पर माखन की चोरी करेंगे। अब वो गोपी थोड़ी टेढ़ी स्वभाव की थी महाराज, वो बोले लाला अगर मेरे घर तूने माखन की चोरी की ना तो याद रखियो तेरी ऐसी खबर लूंगी कि तू जीवन भर याद रखे हो। अब चुनौती दे दी तो महाराज चुनौती तो पूरी करना उनके स्वभाव में है,
ग्वाल बालों को लेकर के 3.5 वर्षीय कन्हैया इन ग्वाल बालों की चोर विद्या माखन चोर मंडली है उसके जो है अध्यक्ष है महाराज, और ये सबको लेकर के बोले आज चुनौती दी है तो पूरी करेंगे, और कन्हैया सबको लेकर के चले गए महाराज। और वो गोपी जिसको चुनौती दी थी उसने अपने दूध दही और माखन की मटकी को सबसे जो पीछे कक्ष होता है ना महाराज कमरा उसमें रख दिया छिपा करके, और खुद दरवाजा बंद करके दरवाजे के पीछे 4 गोपियां लठ लेकर के खड़ी हो गई लाठी लेकर डंडा लेकर। कन्हैया बोले कि देखो भैया तुम सावधान हो जाओ, मैं एक बार दरवाजे पर जाकर के देख तो आऊं, क्योंकि चुनौती दी है ये गोपी थोड़ी टेढ़ी है कहीं ऐसा नहीं हो आज अच्छी से पिटाई हो जाए, इसलिए चुपचाप दरवाजे के पास गए और कान लगा करके सुनने लगे तो दरवाजे के पीछे 4 गोपियां पूरी तैयारी में। एक बोली देखो ऐसा करना जैसे ही वो भीतर दरवाजा खोल करके घुसे बस डंडों की बरसात कर रही है आज उनकी अच्छे से पिटाई कर रही है, ऐसी मार लगाएंगे कि जीवन भर याद रहे। और ये जब दोनों के आपस में खुशमुसाहट सुने कन्हैया वापस आ गए, भैया वो आज तो बहुत तगड़ी तैयारी है, अगर आज सीधे मुख्य द्वार से घुसे तो भैया आज अच्छी धुलाई हो जाएगी हमारी। ग्वालवाल बोले फिर कन्हैया कैसे चोरी होगी, चुनौती दी है तुमने तो बोले चुनौती दी है तो चोरी तो करेंगे परंतु थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है, और चुपचाप घूमते घूमते पीछे गए तो देखा ऊपर अब चुप कक्ष में होते हैं ना खिड़कियां होती है वातायन उजालदान क्या बोलते हैं आपके यहाँ छेद वाले उन्होंने हाँ रोशनदानी, और तो उस रोशनदान से जो है ऊपर चढ़ के देखा महाराज तो देखा अच्छा पीछे पीछे के कक्ष में नीचे नीचे माखन के मटके उसके ऊपर दही के मटके उसके ऊपर दूध के मटके। कन्हैया बोले चिंता मत करो काम हो गया, और एक बांस लेकर के आए खोखला बांस जो इधर पानी डालो तो इधर निकल जाए, और चुपचाप से उस खिड़की में से रोशनदानी में से उस दूध की जो ऊपर ऊपर मटकी थी उसमें नीचे धीरे से दिया उसमें छेद हो गया उस बांस को लगा दिया दूध बह करके सारा बाहर आ गया, और ऐसे ही फिर उसको धीरे से पटका और दही की मटकी में छेद किया और दही भी धीरे हिला हिला करके थोड़ा सा दही आ गया, और फिर माखन की मटकी थी माखन की मटकी के मुख पर दिया वो मटकी का जो ऊपर का मुख जो है हट गया और उसमें थोड़ा थोड़ा माखन निकालते लगाते माखन और वो बांस को आगे कर देते उसको ही चाटने लगते वो जो है बाल बाल। और जब दूध दही माखन की चोरी हो गई चुपचाप निकल लिए महाराज। अब वो गोपियां दोपहर के बाद तक भी जो है प्रतीक्षा करती रही कि उसने चुनौती दी फिर भी नहीं आई। अब दरवाजा खटखटाया दोपहर के बाद संध्या होने वाली थी, अरे गोपी खोल, गोपी ने दरवाजा खोला और बोली क्यों रे लाला आज तेरी चुनौती धरी की धरी रह गई, आज तू चुनौती देकर के भी हमारे घर माखन दूध दही की चोरी नहीं कर पाया। कन्हैया बोले गोपी एक बार भीतर जाकर के देख ले तेरा दूध दही माखन सब कुछ सुरक्षित है भी कि नहीं है, और भीतर जाकर के गोपी ने देखा तो वो दूध दही माखन की मटकियां फूटी हुई बड़ी महाराज, और बाहर दौड़ करके आई महाराज, और जब दौड़ करके आई ना तो कन्हैया आगे आगे और ये गोपियां पीछे पीछे डंडे लेकर के इनको मारने के लिए दौड़ी महाराज। लट खट नंद किशोर माखन 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 दिखा गयो माखन चोरी, माखन चोर।
बेटी बेटी मारी